Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine and spending a great time with your family at home. I'm your science teacher from Metropolitan Foundation School. As you all know, we all are facing a terrible situation because of heavy rainfall. So students, we should pray to Allah. May Allah save us with His torment. Now let's start our assignment. This is the first assignment of month of September. I hope you all are complete your previous work from the month of August. Now we start September syllabus. So now let's start. In this month, we have one chapter. Chapter name is Weather. Chapter number 9, Weather, on the page number 65. So, you open your book and read with me. Chapter number 9, Weather. Weather means, weather कहते हैं आबो हवा को. Weather कहते हैं आबो हवा को. There is a particular state of atmosphere at a place. Weather is a particular state. ये एक मखसूस हालत होती है of atmosphere at a place. एक जगह की फिज़ा की मखसूस हालत होती है. It depends upon sunlight. ये depend करती है sunlight पे. Temperature, wind, rain and clouds. It depends upon sunlight, temperature, wind, rain and clouds. ये depend करती है सूरज की रोशनी पर, दर्जा हरारत पर, हवा पर, बारिश पर और बादलों पर. इन सब चीज़ों पे atmosphere, weather जो है वो depend करता है. Seasons are different from weather. Seasons जो हैं वो weather से different होते हैं. A season is a part. सीज़न जो है वो एक हिस्सा होता है ऑफ अ ईयर. एक साल का एक हिस्सा होता है. कोई दिन नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता, ये पूरा एक साल का एक हिस्सा होता है जो कुछ चंद महीनों पे डिपेंड करता है. इन विच टेम्परेचर, जिसमें टेम्परेचर, रेन एंड विंड हैव स्पेसिफिक फीचर्स. जिसमें दर्जा हरारत, बारिश, हवा हैव स्पेसिफिक फीचर्स, एक ख़ास जो है वो हालत रखते हैं. वेदर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे. वेदर जो है वो दिन ब दिन बदलता है. एंड समटाइम्स फ्रॉम आवर टू आवर इन अ सीज़न. एक सीज़न में वेदर हर दिन भी बदलता है, बल्कि हर घंटे में भी, हर घंटे बाद भी बदल जाता है. जैसा कि आजकल आप मौसम देख रहे हैं कि इतनी एकदम इतनी तेज़ बारिश होती है, तेज़ बारिश होती है, फिर रुक जाती है और फिर एकदम बिल्कुल बंद हो जाती है, बिल्कुल सूरज निकल आता है. तो इस तरह वेदर और टू और चेंज होता रहता है. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ वेदर. वेदर की बहुत सी इकसाम हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. उनकी इकसाम में से हम एक किस्म को पढ़ेंगे. सनी एंड क्लाउडी वेदर. सनी मीन्स सूरज, सन तो हम सूरज को कहते हैं ना, सबको पता है. एंड क्लाउड्स किसे कहते हैं? बादलों को. और वेदर मैंने अभी आपको बताया आबो हवा को. तो अब हम सनी और क्लाउडी वेदर के बारे में पढ़ेंगे. वेदर में भी सनी और क्लाउडी. आबो हवा जो है वो सनी भी होती है और क्लाउडी भी होती है, मतलब सूरज भी निकल आता है और कभी बादल भी छा जाते हैं. व्हेन द सनशाइन, जब सूरज चमकता है, ब्राइटली इन द स्काई, जब सूरज बहुत आबोताब से आसमान पर चमकता है, द वेदर इज़ सनी. तो मौसम जो है वो सनी हो जाता है, सूरज वाला मौसम होता है, हॉट होता है. द सनी वेदर इज़ यूजुअली हॉट. जो सनी वेदर है हॉट होता है. हम सब देखते हैं कि जब सूरज निकला हुआ होता है तो हमें गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा गर्म मौसम हो जाता है. एज़ वी यूज़ फैंस, कूलर्स एंड एयर कंडीशनर्स
टू कीप आर सेल्फ कूल इन दिस वेदर, तो हम अपने आप को ठंडा करने के लिए फैंस का इस्तेमाल करते हैं, कूलर्स का इस्तेमाल करते हैं और एयर कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम ठंडक फील कर सकें। गर्मी में तो बहुत गर्मी लगती है, तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम कूल फील कर सकें। When there are clouds in the sky, the weather is cloudy. तो जब आसमान पर बादल छा जाते हैं तो वेदर क्या हो जाता है? क्लाउडी। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। समटाइम्स क्लाउड्स मे कवर द सन एंड मेक सनी वेदर क्लाउडी फ्रॉम सम टाइम। वी एंजॉय इन क्लाउडी वेदर, नॉर्मली इट रेन ड्यूरिंग क्लाउडी वेदर। समटाइम्स क्लाउड में कवर द सन, बाज़ोकात जो सूरज को है बादल कवर कर लेते हैं, एंड मेक सनी वेदर क्लाउडी फॉर सम टाइम, तो फिर सनी वेदर जो है वो क्लाउडी हो जाता है क्योंकि सन के आगे क्लाउड्स आ जाते हैं तो वो क्लाउडी वेदर बन जाता है। वी इन्जॉय इन क्लाउडी वेदर, हम क्लाउडी वेदर में बहुत इन्जॉय करते हैं क्योंकि उसमें हमें गर्मी नहीं लगती और बहुत अच्छा मौसम हो जाता है जैसे आजकल हो रहा है, लेकिन जब बारिश हो जाती है तो बहुत ज़्यादा मसाइल भी बढ़ जाते हैं। नॉर्मली इन ट्रेन्स ड्यूरिंग क्लाउडी वेदर, तो नॉर्मली जब क्लाउडी वेदर होता है तो बारिश हो जाती है। कभी ऐसा होता है कि बादल होते हैं लेकिन बारिश नहीं होती, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि बारिश हो जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, काम एंड विंडी वेदर। When there is no wind, जब कोई हवा नहीं चल रही होती, the weather is calm, तो weather जो है वो calm होता है, ठहरा हुआ होता है, सुकून होता है। We usually feel hot in calm weather, तो हम इस मौसम में भी गर्मी महसूस करते हैं क्योंकि हवा नहीं चल रही होती, हवा बंद होती है, तो हमें उस मौसम में भी गर्मी लगती है, हम गर्मी फील करते हैं। When air moves fast, जब तेज़ हवा चलती है, We call it, हम इसे कहते हैं wind. We call it wind. जैसे मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो हम उसे क्या कहते हैं, moving air is called wind. Yes. When air move fast, we call it wind. When very strong winds blow, trees may fall down. जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब बहुत तेज़ हवा चलती है, बहुत तूफ़ानी हवा चलती है, तो ट्रीज़ में फॉल डाउन, तो दरख्त गिर जाते हैं, तबाही मच जाती है, बहुत नुकसान हो जाता है। इन विंडी वेदर विंड्स ब्लो वेरी स्ट्रॉन्गली, अ विंडी डे इज़ यूजुअली कूल। जब विंडी वेदर होता है तो उसमें बहुत तेज़ हवाएं चल रही होती हैं और फिर वेदर जो है वो कूल हो जाता है, मौसम जो है वो कूल हो जाता है। विंडी डे इज़ यूजुअली कूल, क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चल रही होती हैं तो फिर तो गर्मी का एहसास ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ सूरज नहीं होता, सूरज निकलता है तो गर्मी लगती है ना, और जब हवा चल रही होती है तो सब कुछ ठंडा हो जाता है, तो हमें भी कूल फील होता है। इंक्रीज योर नॉलेज व्हेन वेदर रिमेन्स सम फॉर फ्यू मंथ्स, जो वेदर है वो कुछ महीनों के लिए होता है, इट इज़ कॉल्ड अ सीज़न। जब एक जैसी हवा कुछ महीनों में ऐसी ही मौसम रहता है तो उसे हम कहते हैं सीज़न। जैसे आजकल बारिशों का सीज़न चल रहा है, देयर आर फोर सीज़न्स हमारे मुल्क में फोर सीजन्स होते हैं, समर, विंटर, ऑटम एंड स्प्रिंग। ओके स्टूडेंट, समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग। कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, हॉट एंड कोल्ड वेदर। Hot means गर्म and cold weather means ठंडा मौसम। During summer the weather is hot, गर्मियों में मौसम जो है वो समर में मौसम hot होता है, गर्म होता है। In hot weather, गर्मियों के मौसम में we wear light color clothes, हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, light कपड़े पहनते हैं। We enjoy cold drinks and ice cream, और हम कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम खाते हैं, क्योंकि सर्दियों में तो कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम से गला ख़राब हो जाता है, लेकिन गर्मियों में जब हम खाते हैं तो हमें बहुत ठंडा ठंडा भी फील होता है, बहुत अच्छा भी लगता है। वी लाइक
टू गो फॉर स्विमिंग इन समर डेज़, और हम समर डेज़ में जो है वो स्विमिंग के लिए भी जाते हैं, हम बीच पे भी जाते हैं, सी साइड भी जाते हैं, क्योंकि हमें गर्मी फील हो रही होती है, तो ये सब चीज़ें हम इंजॉय करते हैं, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी और स्विमिंग करना, स्विमिंग जहाँ बहुत सारा पानी हो वहाँ जाना हम सब इंजॉय करते हैं ड्यूरिंग विंटर। लेकिन सर्दियों में द वेदर इज़ कोल्ड, जो मौसम है वो बहुत कोल्ड हो जाता है। इन कोल्ड वेदर वेरी कोल्ड विंड्स ब्लो, तो सर्दियों के मौसम में बहुत ठंडी हवाएं चल रही होती हैं। सम टाइम इट रेन्स और स्नो एंड वी फील कोल्डर। कभी बाज़ोकात तो कुछ जगहों पर बारिश हो जाती है, बर्फ़बारी होती है और हम बहुत ठंडक फील करते हैं, बहुत ठंडक हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत हमें ठंड फील होती है सर्दियों के मौसम में। वी वेयर वूलन क्लोथ्स, वी हैव हॉट ड्रिंक्स सच एज टी, कॉफ़ी और हॉट मिल्क इन कोल्ड वेदर। वी वेयर वूलन क्लोथ्स, हम जो हैं वो गर्म कपड़े पहनते हैं, जैसे स्वीटर्स, शॉल, टोपी, मफलर, हम कितनी गर्म चीज़ें पहनते हैं ताकि हम अपने आप को गर्म रख सकें। गर्मियों में तो हम लाइट लाइट कपड़े पहनते हैं, हम शॉल्स वगैरह ओढ़े या कुछ भी ऐसा पहने तो हमें गर्मी लगती है ना, लेकिन सर्दियों में हम पहनते हैं तो हमें अच्छा फील होता है। वी हैव हॉट ड्रिंक्स, हम हॉट ड्रिंक्स पीते हैं सच एज जैसा कि टी, कॉफ़ी और हॉट मिल्क इन कोल्ड वेदर। हम सर्दियों के मौसम में कोल्ड वेदर में हम जो हैं वो गरम गरम चीज़ें पीना पसंद करते हैं और इसको पीकर बहुत अच्छा लगता है। कॉफ़ी पीकर, चाय पीकर, गरम दूध पीकर, सूप पीकर, कितना अच्छा फील होता है। सो वी आल्सो यूज़ हीटर्स, हम हीटर्स का भी इस्तेमाल करते हैं और लाइट स्मॉल फायर और आग भी जलाते हैं टू कीप अस वार्म और अपने आप को गर्म रखने के लिए। अब हीटर्स का इस्तेमाल तो आप सबने अपने घरों में देखा होगा, और जो वाटर सॉरी जो आग आपने देखा होगा, जब आप बाहर जाते हैं तो लोग आग जलाकर बैठे हुए होते हैं, उनको भी गर्मी का एहसास हो रहा होता है, सर्दी का एहसास हो रहा होता है, तो अपने आप को गर्म रखने के लिए आग जलाकर हाथ सेक रहे होते हैं। इसी तरह हम सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स भी खाते हैं, जैसे पीनट्स हैं, एलमंड्स हैं, बादाम हैं, मूँगफलियाँ हैं, अखरोट हैं, बहुत सारी ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने आप को गर्म रख सकें। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, इंक्रीज योर नॉलेज। स्प्रिंग इज़ अ सीज़न, स्प्रिंग जो है वो एक सीज़न है दैट कम्स बिफोर समर, जो गर्मियों के बाद आता है। स्प्रिंग का मौसम गर्मियों के बाद आता है। इन दिस सीज़न, इस मौसम में न्यू फ्लावर्स एंड लीव्स ग्रो ऑन ट्री, जो नए पौधे और फूल हैं वो दरख्तों पर नए पत्ते और फूल खिलते हैं। स्प्रिंग के मौसम में आप पत्तों पर दरख्तों पर बहुत सारे नए फूल और पत्ते खिल जाते हैं। ऑटम इज़ अ सीज़न, और जो ऑटम है डेट कम्स फ्राम डेट कम्स बिफोर विंटर, और जो ऑटम है वो सर्दियों के बाद आता है। इन दिस सीज़न, इस मौसम में लीव्स फॉल फ्राम ट्रीज, दरख्त जो हैं वो दरख्तों से पत्ते झड़ जाते हैं। इस मौसम में बहुत ज़्यादा पत्ते झड़ते हैं दरख्तों से। ओके, बहार के मौसम, स्प्रिंग के मौसम में, स्प्रिंग कहते हैं बहार के मौसम को, बहार के मौसम में फूल खिलते हैं, और ऑटम कहते हैं ख़िज़ां के मौसम को, ख़िज़ां के मौसम में पत्ते झड़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी रीड अबाउट रेनी वेदर। रेनी वेदर, रेनी वेदर तो आजकल हम सब फेस कर रहे हैं, कितना रेन, कितनी ज़्यादा रेन हो रही है, कितनी ज़्यादा रेन फॉल हो रही है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि हम सबको प्रे करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम रहमत की बारिश बरसाए हम पर। ओके स्टूडेंट्स, समटाइम्स इट रेन्स, समटाइम इट रेन्स सच वेदर इज़ कॉल्ड अ रेनी वेदर। ये जो मौसम है ये क्या कहलाता है? रेनी वेदर। वी यूज़ एन अम्ब्रेला, हम जो हैं वो अम्ब्रेला यूज़ करते हैं
एंड वेयर अ रेनकोट, और रेनकोट पहनते हैं ताकि बारिश से महफूज रह सकें, अम्ब्रेला यूज़ करते हैं ताकि बारिश से महफूज रह सकें। वाइल गोइंग आउट ऑन अ रेनी डे, जब हमें रेनी डे में बाहर जाना होता है तो हम अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं और रेनकोट पहनते हैं ताकि हम बारिश से महफूज रह सकें। रेन इज़ लिंक्ड विद क्लाउडी वेदर, रेन डिस्टर्ब्स आवर रूटीन लाइफ एंड वी प्रेफर टू स्टे एट होम, जो रेन है वो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है, जैसा कि आजकल हो रहा है कि बारिशों की वजह से लोग घरों से नहीं निकल रहे क्योंकि बाहर इतना पानी जमा हो जाता है कि घरों अगर निकल जाओ तो घर में वापस आना मुश्किल है, लोगों का ऑफिस जाना मुश्किल हो गया है, शॉप्स पे जाना मुश्किल हो गया है, कितनी परेशानी है, पेशेंट्स जो हैं वो हॉस्पिटल्स में परेशान हैं। तो बारिश के मौसम में लाइफ जो है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, तो हम प्रेफर करते हैं कि घर में रहें और सेफ़ रहें। आफ्टर अ रेन, बारिश के बाद समटाइम्स वी सी अ रेनबो इन द स्काई, बारिश के बाद जब बारिश रुक जाती है, आसमान हो जाता है, तो एक आसमान पर एक रेनबो बनती है। आप में से कुछ ने देखा होगा और कुछ ने नहीं देखा होगा। और रेनबो तो आई थिंक सबको पता है कि रेनबो किसे कहते हैं, 7 कलर्स की एक लाइन होती हैं, 7 कलर्स की जो आसमान पर बनती हैं, जो बहुत खूबसूरत व्यू होता है, बहुत अच्छी लगती हैं दिखने में। लेकिन ये बारिश के बाद होता है अक्सर, लेकिन आजकल इतनी हैवी रेनफॉल हो रही है कि ऐसा हमें नहीं दिख रहा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर चैप्टर वेदर, इट्स कंप्लीट नाउ। इन दिस वीडियो वी हैव नो कॉपी वर्क, हम इस वीडियो में मैं आपको कोई कॉपी वर्क नहीं दे रही हूँ, कॉपी वर्क जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो स्टूडेंट्स, वी ओनली डू इन अ नेक्स्ट पैराग्राफ is a short activity, look at the picture above and fill in the blanks, आपने ये picture को देख कर ये blanks जो 3 दी गई हैं ये fill करनी है। First word है हमारे पास we use and dash on a rainy day, हम rainy day में क्या use करते हैं, you से क्या word बनेगा, yes you से बनेगा umbrella। तो first word ये जो dash है इसमें आपने umbrella के spelling put करने हैं, UMBRELLA umbrella। Now second line is we wear a dash on a rainy coat, हम बारिश के मौसम में क्या पहनते हैं, R से क्या बनता है, क्या बनता है, R से बनता है rain coat, so we put the spelling of rain coat, RAINCOAT rain coat। We play with, नाउ थर्ड लाइन इज़ वी प्ले विथ पेपर डैश ऑन अ रेनी डे, हम रेनी डे में पेपर की किस चीज़ से खेलते हैं, पेपर का क्या बनाते हैं, येस बोर्ड बनाते हैं, तो हम इसमें स्पेलिंग पुट करेंगे BOAT बोर्ड्स। सो स्टूडेंट्स, यू शुड डू इन योर बुक, यू सॉल्व दिस, सॉल्व इन योर बुक, ओके स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, आपको आई होप कि इस चैप्टर समझ आ गया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।